नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में यहां खुलेगा इसरो का केंद्र। बिहार के गांव का हुनर देश के लिए मिसाल। चारा घोटाला मामले में सुनवाई के बाद आया फैसला। पंचायत कार्यपालक अब बुढ़ापे तक करेंगे नौकरी। बिहार में 34 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक संस्थान में खुलेंगे नए कोर्स। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में यहां खुलेगा इसरो का केंद्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था पटना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु की साइंटिफिक ब्रांच खुलने वाली है। इसको लेकर 24 नवंबर को इसरो और एनआईटी पटना के बीच क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके स्थापित होने पर यहां के बीटेक और एमटेक के छात्रों को अंतरिक्ष से संबंधित शोध के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद एनआईटी पटना कैंपस में इसरो की तरफ से अपना सेंटर स्थापित किया जाएगा। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने बताया कि इसरो की तरफ से कम्युनिकेशन से अंतरिक्ष सेंटर को लेकर एमओयू किया जा रहा है। चारा घोटाला मामले में सुनवाई के बाद आया फैसला। लालू प्रसाद यादव आज चारा घोटाला मामले में हाजिरी लगाने कोर्ट पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कोर्ट में हाजिरी तो लगाई, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस मामले में उन्हें अगली तारीख दे दी गई है और ये भी बताया गया है कि अब आप अपने वकील के माध्यम से हाजिरी लगा सकते हैं, जिसके बाद अब इस केस की अगली सुनवाई 30 नवम्बर को होने वाली है। इतना ही नहीं, आज कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बीमारी का हवाला भी दिया और कहा कि वो अक्सर बीमार रहते हैं, ऐसे में उनकी जगह उनके अधिवक्ता इस मामले को देखेंगे। इस पर कोर्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है। अब लालू की गैर मौजूदगी में उनके अधिवक्ता उनके केस को देखने वाले हैं। धनकुबेर निकली सीडीपीओ। बिहार में इन दिनों धनकुबेरों की जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी पटना की एक और सीडीपीओ ज्योति कुमारी का नाम उजागर हुआ है, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। मिली जानकारी के अनुसार आज अहले सुबह को ज्योति के आरपीएस मोड़ स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। इनके खिलाफ 22 नवम्बर को विशेष निगरानी इकाई के मामले दर्ज करवाए गए थे, उसके बाद से ये छापेमारी की जा रही है। निगरानी की टीम उनके घर में जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ज्योति कुमारी को सरकारी सेवा में सेवा करते हुए महज 10 साल हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने इतनी कम समय में करोड़ों रुपए का फ्लैट पटना के आरपीएस मोड़ पर खरीदा है और साथ ही 4 से 4.5 लाख नकद की भी बरामदगी हुई है। ज्ञात हो एसयूवी ने ज्योति के खिलाफ भादवी की धारा 13(1), 13(2) के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सिर्फ एक जिले में आया कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 40 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सिर्फ राजधानी पटना में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,32,562 सैंपल की जांच की गई, वहीं 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के गांव का हुनर देश के लिए मिसाल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर साथ ही साथ बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार काफी तीव्र गति से आत्मनिर्भर प्रदेश के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य आत्मनिर्भर गांव के संकल्प को हासिल करना है। बिहार के गांव में जो हुनर है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ग्रामीण इलाके के हस्तशिल्पियों और बुनकरों द्वारा तैयार की गई चीजें ऐसी हैं जिसे देश दुनिया में बिहार का मान बढ़ रहा है। मधुबनी पेंटिंग हो या मंजूषा कला, बिहार की पारंपरिक लोक कलाकारी से जुड़ी कृतियां हो या फिर बुनकरों द्वारा तैयार सिल्क, खादी और अन्य उत्पाद, इनसे बिहार की पहचान बनी है। पंचायत कार्यपालक अब बुढ़ापे तक करेंगे नौकरी। बिहार में पंचायत कार्यपालक सहायकों को नीतीश सरकार ने बीते दिन बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग ने दी है। पंचायती राज विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार हर पंचायत में आईटी सेवा बहाल करने पर कार्यपालक सहायक को अब 60 साल तक की पक्की नौकरी मिलेगी। हर साल सेवा अवधि विस्तार का इंतजार उन्हें नहीं करना होगा। सरकार के इस आदेश के बाद कार्यपालक सहायक 60 साल तक अवधि विस्तार के बगैर नौकरी कर सकेंगे। राहत की बात यह है कि सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में है जब अगले साल 31 मार्च को कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि समाप्त होने वाली है और उन्हें अवधि विस्तार का इंतजार था। ज्ञात हो राज्य भर में फिलहाल 7700 पंचायतों के अंदर कार्यपालक सहायक तैनात है। बिहार के 34 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक संस्थान में खुलेंगे नए कोर्स। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विधाओं में नए नए कोर्स की शुरुआत होने वाली है। 34 इंजीनियरिंग तो 4 पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए कोर्स खोले जाएंगे। एमआईटी मुजफ्फरपुर में एक एमटेक समेत 4 नए कोर्स होंगे। इसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 60-60 सीटें, जबकि एक एमटेक कोर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 30 सीटें मिली हैं। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर को भी 60 सीटों
के साथ एक नया कोर्स फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन मिला है। बिहार समेत 4 राज्यों में बंद का आह्वान। भाकपा माओवादी ने बिहार समेत 4 राज्यों में बंद का आह्वान किया है और यह आह्वान माओवादियों की तरफ से प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ है। इसको लेकर भाकपा माओवादी की बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने बयान जारी कर 23 से 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया है कि 3 दिवसीय नक्सलीबंदी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लगातार सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा बटालियन, जिला पुलिस बल के जवान इन प्रभावित क्षेत्रों में छापेमारी कर रहे हैं। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव का दौर है। बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण में इमामगंज और डुमरिया प्रखंड में 24 नवंबर को मतदान होना है, जो कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिहार में पछुआ हवा और कोहरे में बदला मौसम। बिहार में पछुआ हवा में आंशिक वृद्धि होने के कारण अगले 48 घंटे के दौरान रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है। वहीं प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही आकाश पूर्ण रूप से साफ रहने का अनुमान है। रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच बना रहेगा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह हल्का कुहासा भी छाया रहेगा। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विज्ञानियों की माने तो अरब सागर में बने हवा के निम्न दबाव का विस्तार झारखंड, मध्य प्रदेश की तरफ हो रहा है। इससे प्रदेश में पछुआ हवा की रफ्तार में थोड़ी वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ ठंड के साथ ही राज्य में प्रदूषण का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ आएंगे लालू और चिराग। बिहार में पिछले महीने 2 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया था, लेकिन अब एक बार फिर से गांठ जुड़ने लगे हैं। बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच अनबन देखने को मिली और फिर बाद में कांग्रेस ने अपने आप को महागठबंधन से अलग ही कर दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन एक बार फिर से विधान परिषद में एक साथ होता दिख रहा है। और बता दें कि स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में एक बार फिर से साथ आने की उम्मीद है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। सोमवार की देर शाम पटना पहुंचे लालू यादव ने कहा कि बिहार में विधान परिषद चुनाव के दौरान महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा, जिसके तहत कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ हम चिराग पासवान को भी साथ लेंगे। बिहार में 3 विश्वविद्यालय के गठन की प्रक्रिया के कारण शुरू हुआ सियासी संग्राम। उच्च शिक्षा बिहार में आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है और सरकार की लेट लतीफी सोने पर सुहागा जैसा काम करती है, जिसका अंदाजा आप भी इस बात से ही लगा सकते हैं कि बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा चुनौती की तरह है। सरकार ने 3 विश्वविद्यालय के गठन को लेकर विधानमंडल में प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। बिहार में उच्च शिक्षा को गति देने के लिए 3 विश्वविद्यालय के गठन को लेकर मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदन से प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय के गठन की प्रक्रिया अधूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आखिरकार बाहर आ ही गई लालू यादव के मन की बात। बिहार में शराबबंदी इन दिनों हॉट टॉपिक बनी हुई है, जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर सरकार कानून लागू करने के लिए छापेमारी करवा रही है, वहीं विपक्ष के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार और पुलिस की सख्ती कितनी रंग लाती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या चाहते हैं इसका खुलासा हो गया है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, जिस पर अब जदयू ने उन्हें निशाने पर लिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने दिल की बात कह दी। राजद कभी नहीं चाहती है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो। बिहार में शराबियों को नहीं मिलेगी नौकरी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद आलम कुछ यूं है कि लोग शराब पी रहे हैं और कानून का खुलेआम उल्लंघन भी हो रहा है। यही कारण है कि बंदी के कारण खुले में नहीं मिल रही शराब के बजाय लोग कोई भी शराब पी ले रहे हैं, जिसके बाद अब तक कई लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर ही बिहार सरकार भी अब सख्त हो गई है और लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बिहारवासियों को शराब की लत से निकालने के लिए बिहार में शराबियों को नौकरी से वंचित रखने का फैसला लिया गया है। भास्कर में छपी खबर के अनुसार शराब की हिस्ट्री वालों नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से शपथ लेने को कहा जा रहा है, जिससे कोई शराब नहीं पिए। अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी शराब को लेकर सख्ती बरती जा सके। बिहार के विश्वविद्यालयों में अरबों रुपए की हुई हेराफेरी। बिहार के विश्वविद्यालयों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कई आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में अरबों रुपए का हेराफेरी किया गया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मांग की है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीरता से ले और सीबीआई जांच करवाए। इसको लेकर उन्होंने सवाल किया है कि आखिर विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े का खेल के पीछे है कौन। पिछले दिनों एक वीसी के यहां छापे पड़े हैं। राजेश राठौर ने यह भी कहा कि आखिर बिहार के विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़ा के पीछे लखनऊ डॉन
कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ये खिलाड़ी कर सकता है डेब्यू। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में गुरुवार 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए नए चक्र में न्यूजीलैंड की ये पहली सीरीज है, जबकि भारतीय टीम अपनी दूसरी सीरीज खेलने उतरेगी। इसी टेस्ट मैच में भारत के लिए एक खिलाड़ी अपना टेस्ट डेब्यू कर सकता है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। आपको बता दें कि काफी समय पहले सीमित ओवर की क्रिकेट में डेब्यू कर चुके और लंबे समय से टीम इंडिया के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट खेल रहे श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के पहली बार टेस्ट सीरीज में चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शराबबंदी कानून के नाम पर बिहार पुलिस की तरफ से होटल के कमरों में की जा रही छापेमारी सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।